तो कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन ग्रेटर नोएडा दिखाने वाला हूँ, जो कि जिस सेक्टर में मैं रहता हूँ इसी सेक्टर की बारे में बात करने वाला हूँ। तो वो मतलब ग्रेटर नोएडा में दो तीन जगह काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे जगह हैं जहाँ पर हर चीज़ आपको अवेलेबल है। उसमें से एक सेक्टर ये भी है जहाँ पर अभी मैं रहता हूँ। तो अभी मैं बाहर चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा अभी दिन में कैसा दिखता है और रात में कैसा दिखता है, दोनों दिखाऊंगा और आप कंपैरिजन करना कि कैसा दिखता है। गाइस अभी हम आपको दिन का व्यू दिखा रहे हैं यहाँ अल्फा टू मार्केट का। तो कुछ ऐसा दिखता है दिन में भी, दिन में क्राउड काफ़ी कम होता है क्योंकि सारे स्टूडेंट एरिया है, तो यहाँ पर सारे बच्चे अभी कॉलेज चले गए होंगे। तो बस यही है, रात में आपको दिखाएंगे। रात में मतलब हैक्टिक भीड़ रहता है यहाँ पर। तो अभी हम रात में दिखाते हैं। रात में हैपनिंग प्लेस बन जाता है यहाँ। तो कुछ ऐसा है, अभी काफ़ी सारे शॉप भी बंद है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम सीधे रात में दिखाते हैं वीडियो। One eternity later. तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं रात में आपको दिखाने के लिए मोस्ट हैपनिंग प्लेस, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा था अल्फा टू का। तो ये अल्फा टू का मार्केट है जो मेरे रूम से 100 मीटर की दूरी पर ही है बस। तो अभी मैं आपको आगे आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसा है पूरा मार्केट का व्यू। तो गाइज अभी आप मेरे सामने ये स्टॉल सब दिख रहे हैं, तो अगर आप मोमो खाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं मोमो खाने के लिए। यहाँ पर 10 से ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं मोमोज़ के ही सिर्फ। तो इस टाइम पर यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। अभी तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ना चालू की है, रात के 10-11 बजे तक सेम इतना ही भीड़ रहता है और ये धीरे धीरे बढ़ कर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको मार्केट में खड़े होने की जगह नहीं मिलती, इतना ज़्यादा यहाँ क्राउड होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ बस सिर्फ खाने का ही स्टॉल ज़्यादातर दिखेगा। तो यहाँ पर खाने की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब बाकी सेक्टर से सबसे ज़्यादा यहाँ पर है शॉप खाने के लिए। तो खासकर ये सेक्टर बहुत फेमस है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि चारों तरफ हमारे स्टूडेंट ही स्टूडेंट है। तो ये सारे कॉलेज स्टूडेंट्स है, तो सभी शाम में यहाँ बाहर आते हैं घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए। तो यहाँ काफ़ी सारे चीज़ें हैं खाने पीने और। तो होप करते हैं आपको ये छोटा सा मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जो कि अल्फ़ा टू पर था, ग्रेटर नोएडा अल्फ़ा टू के ऊपर था। तो होप करते हैं आपको अच्छा आया, अच्छा पसंद आया हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।